भारत माता की, गंगा मैया की, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। विजय संकल्प रैली में, जिसमें पूरे उत्तराखंड और विशेषकर तीन लोकसभा क्षेत्र हमारे हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल से आए हुए इस महाजन समुद्र में, हम सबके बीच में आज जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए हम सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मंच पर आसीन विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भाई अनिल बलूनी जी, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कोने कोने से आए हुए हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं विश्व के मानचित्र पर भारत का मान बढ़ाने वाले जगतगुरु शंकराचार्य की भांति भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले बाबा केदार के अनन्य भक्त राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं योग निगरी ऋषिकेश आगमन पर आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज नवरात्र तृतीय तिथि को मां चंद्रघंटा की स्तुति हम सब करते हैं। ऐसे पावन दिन देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने पूरे प्रदेश के अंदर नारी शक्ति के बंधन के उत्सव आयोजित किए थे और इसके माध्यम से हम हरेक मातृशक्ति के साथ पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में सीधे संवाद करने का हमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को आगे बढ़ाने में लगाया है, गरीब कल्याण के लिए लगाया है, पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन थके बिना रुके बिना हारे बिना लगातार उन्होंने काम किया है, उसके कारण से आज भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत जहां आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, वहीं सामरिक रूप से भी दृष्टि से भी अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। आप सबको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में बनने के बाद देश के अंदर अनेक ऐसे फैसले लिए गए, धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर सीएए का कानून लाया गया और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे काम हुए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला, इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में बैठक। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है तो बड़ा विचित्र है कि हम सबको गौरव प्राप्त हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम एक तरफ UCC की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही है। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्र श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है, लेकिन देश आज आगे बढ़ चुका है, देश अब जाग चुका है, देश बदल चुका है। आज नया भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए सजग और संवेदनशील है। भाइयों बहनों, एक कमाल की बात तो यह है कि जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, केवल अपने परिवार की स्तुति करने वाले लोग, समाज को जातियों में बांटने वाले लोग, हर दिन एक नया घोटाला करने वाले लोग आज परेशान है। भाइयों बहनों, आज सबकी परेशानी है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि 2014 से 2019 का जो समय था देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, 2019 से 2024 का समय देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय था, और वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2029 का समय भारत को विश्व गुरु के मार्ग को प्रशस्त करने का समय है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं मैं कि देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता लोकसभा के चुनाव में पांचों सीटें भारी बहुमत से विजय बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की बॉर्डर सौंपने में अपना योगदान सुनिश्चित करेगी। अंत में मैं आप सबकी तरफ से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी उपस्थित जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। लक्ष्य अटल है, संकल्प प्रबल है, विकसित बनता देश सकल है, जन जन का विश्वास सबल है, वोट कमल है, वोट कमल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। बोलो भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम।